धम्मपद गाथा कथा नंबर 225। जो धम्मपद है उसमें बहुत सारे जो गीत हैं उनको पाली में गीता कहते हैं। एक गीत को कहते हैं गीतो, और बहुत सारे क्योंकि इसमें 423 गीत हैं तो इसको धम्मपद गीता बोलते हैं, यानी जिसमें गीत बहुत सारे स्थापित हैं, रखे हुए हैं। इसका जो गीत नंबर यानी कि जो धम्मपद नंबर 225 है उसके अनुसार भगवान बुद्ध साकेत आते हैं, साकेत में रहते हैं, साकेत में वास करते हैं, अंजन वन में वो ठहरते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुले स्थानों में रहे हैं, या तो कोई राम रहा है यानी कि जैसे निगोध राम, या जैसे जो संघाराम है, या जो जैतवन राम है, या जो उब्बा राम है। ऐसे राम का मतलब बगीचा होता है, कई बार इसको आराम भी बोलते हैं, आ इसमें साइलेंट होता है, तो जैतवन राम मतलब जैतवना राम। तो वहां वो अंजन वन में रहते हैं, अंजीर के वन होंगे तो इसलिए अंजन वन बोल दिया, अंजन वन में रहते हैं। तो वहां एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा भगवान बुद्ध को अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है, और बूढ़ा कहता है कि तुम इतने दिन बाद आए हो, अपने पिता का तुम ध्यान नहीं रखते हो, और तुम्हें पिता की कोई भी परवाह नहीं है, मैं यहाँ कष्टों में हूँ। जब वो भगवान बुद्ध भिक्खु संघ के साथ घर जाते हैं तो वहाँ जो बूढ़े की पत्नी होती है वो भी यही कहती है कि तुम्हें अपनी माता का ख्याल नहीं है, इतने दिनों बाद आए हो और कोई ख्याल नहीं रखते हो तुम अपने माता पिता का, हम कितने कष्ट में हैं। तो भिक्खु संघ वहाँ पर भोजन करता है और भगवान बुद्ध उस समय साकेत में देशना देते हैं। बेसिकली साकेत का मतलब होता है साक्यों का खेत, साक्यों के खेत से साकेत शब्द बना हुआ है, पुराना है, क्योंकि तो साक्य थे, उनका खेत था, वो खेत में काम करते थे, तभी सारे खेत लगभग साक्यों के उस क्षेत्र में रहे हैं, तो इसलिए साक्य खेत बोलते हैं। तो इस गाथा के अंदर एक शब्द बहुत कमाल का है, ये बात तो इसमें कमाल की है ही कि ये गाथा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान बुद्ध साकेत में रहे, साकेत में देशना दी, और अंजन वन आज तो नहीं कह सकते कि वो अंजन वन कौन सा है, जहाँ अंजीर होंगे, अंजीर के पेड़ होंगे, वो अंजन वन होगा वहाँ पर, या जो वहाँ के पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि यहाँ अंजीर के पेड़ कहाँ 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 कहाँ, या अंजन के पेड़ कहाँ कहाँ रहे हैं वो बता सकते हैं, या कोई ना कोई जगह साकेत में अंजन के नाम से जरूर होगी, जो अंजन गंज या अंजन मोहल्ला या अंजन नगर या अंजन गाँव या अंजन के नाम से कुछ ना कुछ रहा जरूर होगा, या अंजन का अंजनी बन गया होगा, या अंजना बन गया होगा, या अंजम बन गया होगा, होगा कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि पुराने जो नाम है वो इतनी आसानी से खत्म होते नहीं। दूसरा इसमें एक शब्द बहुत है कि जो ये गाथा है वो गाथा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, उसमें एक शब्द आएगा बड़े कमाल का है, वो उससे भी ज्यादा कमाल का है। ए हिंसका ये मुनियों निचंग कायेन सम्भुता ये यंती अच्युतंग थानंग यथ गणत्वा ने सोचरे। अहिंसका ये मुनियों निचंग कायेन सम्भुता ये ते यंती अच्युतंग। ये जो अच्युतंग थानंग है इसमें जो अच्युत शब्द है ये बहुत कमाल का है, ये इसलिए कमाल का है क्योंकि पाली सारे तालों की चाबी है, भगवान बुद्ध के जितने शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आज भी इस्तेमाल होते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा जो बहुत चलता है, अछूत। दरअसल अछूत जो शब्द है पाली में उसको अच्युत बोलते हैं, यानी कि अच्युत का मतलब हो गया जो गिरा हुआ ना हो, जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं च्युत। और ये जो शब्द है जैसे कहते हैं वो च्युत हो गया यानी स्खलित हो गया, गिर गया, इसका मतलब है गिरा हुआ, गिरना। तो अगर ए लगा देते हैं इसका मतलब न गिरा हुआ, तो हो गया अच्युत। तो अच्युत का अछूत बना है, तो अच्युत का मतलब होता है अच्युत, ठानन का मतलब है जो स्थान नहीं गिरा हुआ है। अब वो स्थान कौन सा नहीं गिरा हुआ है, वो है जो बहुत ऊंचा स्थान है, यानी जो गिरा हुआ नहीं है वो ऊंचा है, उसको निब्बान पद बोलते हैं, मुख पद बोलते हैं। निब्बान पद को और मुख पद को ना गिरा हुआ पद ही बोलते हैं, यानी कि बहुत ऊंचा पद ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अच्युत ठानंग। ठानंग मानंग स्थान।
तो अछूत से बना हुआ है अछूत, यानी जितने भी लोग भारत में अछूत हैं, इसका मतलब वो गिरे हुए लोग नहीं हैं। अछूत का मतलब या अछूत का मतलब अनटचेबल नहीं होता, क्योंकि पाली के अंदर जो टच है, यानी जो जिसको छूना बोलते हैं, उस्को फस बोलते हैं। फस और अफस, यानी फस माने छूना हो गया और अफस माने जो स्पर्श ना कर सके। तो फस का मतलब स्पर्श होता है, और जो खाली छू है या छूती है उसका मतलब छूना नहीं है, वो कुछ और मतलब में आता है। स्पर्श को या टच करने को, या जो आज के समय में हम छूना बोलते हैं, उसको बोलते हैं फस बोलते हैं, और जिसको ना छूना हो उसको अफस्सा बोलते हैं या अफस बोलते हैं। तो ये जो अछूत वर्ड है, ये पाली के अच्युत से बना हुआ है, और अच्युत का मतलब है कि जो गिरा हुआ ना हो और जो बहुत ऊंचा हो। बाद में इसकी ऊ की मात्रा बदल के इसको गाली भी बनाने की कोशिश की गई, जो आज तक गाली है, जबकि वो गाली नहीं, क्योंकि पाली में जितने भी ऊंचे शब्द हैं उन सबको गाली ही बाद में बनाया गया है। ये एक कमाल की बात है, क्योंकि जो पुरानी भाषा है अगर उसको ख़त्म करना हो तो उसके उच्चतम शब्दों को गाली बना दो। तो जितने भी अछूत लोग हैं, जो अपने आप को अछूत कहते हैं, वो बेसिकली पुराने अछूत वर्ड हैं और शब्द हैं, उसी के हिसाब से वो बनते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अहिंसका ये मुनियों, अहिंसका ये मुनियों का मतलब है जो मुनि अहिंसक है, यानी जो हिंसा नहीं करते। मुनि माने जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जो साधना वगैरह करते हैं, जो अच्छे लोगों में आते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। भगवान बुद्ध को भी मुनि बोलते हैं। निच्चंग कायन संभूता, निच्चंग माने हैं प्रत्येक को, यानी रोजाना। कायन माने शरीर से, और संभूता माने संयम, यानी कि जो शरीर से रोज लगातार संयम है, संयमित रहते हैं, हिंसा नहीं करते। ते यंति अच्युतं ठानं, ते यंति अच्युतं ठानं का मतलब है वो प्राप्त करते हैं नए गिरे हुए स्थान को, यानी उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, यानी निब्बान को प्राप्त करते हैं। यत गणत्वा न सोचरे, यत माने गणत्व माने करकर, और यत माने हैं जिसे, जिसे करकर न सोचरे, जिसे करने के बाद में वो चिंता में नहीं पड़ते, नहीं सोचते। ऐसा भगवान बुद्ध उस जो बूढ़ा और बुढ़िया है उसको बोलते हैं कि आप हिंसा को त्याग दीजिए, और मुनियों को काया से संयत रहना चाहिए। ये आपकी दिक्कत है कि आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, पूरे दिन बड़बड़ाते रहते हैं, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ काया से कहते रहते हैं, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, इसको छोड़ दीजिए। तो आप जो अच्युत स्थान है, जो निब्बान का स्थान है, जो बहुत ऊँचा स्थान है, उसको प्राप्त कर लेंगे, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने ये कहा कि ये बेटा और बेटी, ये बेटा क्यों कहा, बूढ़ी ने भी और बूढ़े ने भी इनको बेटा क्यों कहा। भगवान बुद्ध ने बताया कि इनकी उम्र ज़्यादा है, और उम्र ज़्यादा के हिसाब से कह सकते हैं। कई कथाओं में ऐसा भी आया है कि पूर्व जन्म में, पुराने समय में ये उनके माता पिता रहे हैं, बूढ़े और बूढ़ी, ऐसा भी वो बताते हैं। क्योंकि वो हमने देखा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आपको समझ में ना आता हो और जो ज्ञान खरा ना उतरता हो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि उम्र के हिसाब से उन्होंने बेटा बेटी कहा है। पर इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भगवान बुद्ध साकेत आए, और दूसरा इसमें जो अछूत लोग हैं, जो अछूत होते हैं वो बहुत ऊंचे स्थान वाले लोग होते हैं, ऐसा स्थान जो निब्बान को प्राप्त करने के बराबर या निब्बान का स्थान है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
अच्छा।